हाय गाइस, मैं शॉन, मैं आप देख रहे हैं शॉन स्टूडियो में। मैं आपको एमआई यूएट 12 और एमआई यूएट 12.5 के लिए परफेक्ट आईओएस से इंस्पायर्ड थीम सजेस्ट करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। iOS Inspire, अगर आप थीम सर्च कर रहे हैं MIUI 12 और MIUI 12.5 के लिए, तो आप ये थीम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप इस थीम का गूगल का फोल्डर में आप आइकन पैक देखिए, तो उसमें आपको काफी क्लीन और मिनिमल आइकन पैक देखने को मिलता है। गूगल का फोल्डर होम स्क्रीन में अगर आप चाहिए तो होम स्क्रीन में जो है आपको iOS Inspire विजिट, और अगर आप उसका आइकन पैक होम स्क्रीन और टूल का फोल्डर में देखिए तो वो भी जो है आपको सिमिलर iOS Inspire आपको जो आइकन पैक देखने को मिल जाता है। और अगर आप उसका जाइएगा कंट्रोल सेंटर में, तो कंट्रोल सेंटर आपको काइंड ऑफ न्यू देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका जो टॉगल्स है सभी आपको काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है। मेरे को पर्सनली ये कुछ नया लगा, तो मुझे लगा कि ये आपको जो है थीम सजेस्ट करना चाहिए, शायद आपको जो है पसंद आए ये थीम। और आई होप कि शायद आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहिए इसका सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में जो है आपको काइंड ऑफ iOS इंस्पायर्ड जो लुक देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं सेपरेशन जो है आपका हर एक टॉगल्स का कलर वाइज किया गया, जो कि आप देख सकते हैं ऑरेंज, येलो, पर्पल और जो है आपको सियान और आपको देखने को मिल जाता है ब्लू, जो कि काइंड ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग सेपरेशन मेरे को लगा। जो आइकन्स वो आपका iOS इंस्पायर है। अबाउट फोन में जाइए तो अबाउट फोन में आपका MIUI 12 का लोगो चेंज कर दिया गया है। और अगर आप उसका ऑल स्पेक्स में जाइए तो आपको कुछ जीरो चेंजेस देखने को मिलता है, और अपडेटर ऐप में भी जो है कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। और अगर आप जाइए इसका एडिशनल सेटिंग्स में, तो एडिशनल सेटिंग्स में भी आपको जो एडिशनल सेटिंग में कुछ ऐसा नया देखने को नहीं मिलता, जो कि आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले में कुछ भी, मतलब जैसे कि आपका जेस्चर हुआ, ये सब चेंज नहीं हुआ है। और अगर आप उसका डायलर देखें तो डायलर में आपको देखने को मिल जाता है iOS इंस्पायर्ड डायलर, जो कि आप देख सकते हैं काइंड ऑफ ए फनी iOS इंस्पायर्ड डायलर है। मेरे को बहुत सारा, मतलब मैं थीम यूज़ कर चुका हूँ, अराउंड 1000-2000 हो गया होगा, बट ये मुझे फनी लगा। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप उसका लॉक स्क्रीन देखें तो लॉक स्क्रीन में भी जो है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग जो iOS 15 से इंस्पायर्ड जो लुक देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी काइंड ऑफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका चार्जिंग एनिमेशन मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं वीडियो में दिखाना भूल गया। और अगर आप उसका विजिट्स में टैप कीजिए, तो इसमें आपको म्यूजिक का टॉगल देखने को, मतलब विजिट देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं काइंड ऑफ न्यू है। वेदर, उसके बाद आपको कैलेंडर, ये सब सभी कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉगल्स आपको देखने को मिल जाता है विजिट के थ्रू, जो कि आप उसको टॉगल करके विजिट देख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल और हेल्पफुल जो थीम है। मेरे को इसका लॉक स्क्रीन काफ़ी अच्छा लगा। और अगर आप उसका जाइएगा बाकी, जैसे कि इसका फ्लैश लाइट और कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डबल टैप करने से कुछ ऐसा इनेबल नहीं होता है। और अगर आपको सिंपली ये थीम डाउनलोड करना है, तो आप थीम स्टोर में जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं IP16। जैसे आप सर्च कीजिएगा IP16, आपको ये थीम मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा ये iOS इंस्पायर्ड थीम, जो कि इसका नाम IP16 है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा थीम, तो आपको पता है क्या करना है। वीडियो आई होप के साथ आपको अच्छा लगा होगा, कुछ कमी है वीडियोस में तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर और भी इम्प्रूव होगा तो आपको भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है उसको टैप करके नोटिफिकेशन को ऑल में रख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं बोलता हूँ कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक चाहिए चैनल हमारी सब्सक्राइब, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।